Assalamualaikum. वालेकुम सलाम बेटी. एक हादसे में मेरे दोस्त की याददाश्त चली गई है और ये अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता. अब हमें ऐसे शख्स की तलाश है जो इसे जानता हो. तो 10 दिन पहले आपके यहाँ से शॉपिंग की थी और ये रही रसीद. शायद मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ, आप मुझे जानते हो, ये भी तो हो सकता है. मैं पड़ोस के तकरीबन तमाम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा. प्लीज क्या हम उस दिन की फुटेज देख सकते हैं? शायद उससे ही हमें कुछ सुराग मिल जाए. यहाँ कोई भी कैमरा नहीं है. वहाँ ऊपर देखे कैमरा लगा हुआ है. ये इसी दुकान पर आया था. आप मेरी बात नहीं समझ रहे. काफी देर से गई हुई तुम्हारी बेटी, उसके बारे में कुछ मालूम करो. बताया तो था उसने कि देर हो जाएगी उसको. इस घर में तो काम की किसी को कोई फिक्र नहीं है. या तो घर से गायब हो जाते हैं या फिर यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं. देखिए अम्मी, बल्कि मेरी प्यारी सास, याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? कहा था कि हमला होने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है, तो मैं कर रही हूँ. हाँ, तो उसने ये भी नहीं कहा था हर वक्त बैठी टीवी देखती रहो और कुछ काम ना करो? दिलान के जाने के बाद से ही आपको काम का मसला है. वो ही आपका हाथ बटाती थी. बाबा, हम भाई को नहीं जाने देंगे, ठीक है? कोई रास्ता निकालेंगे. बिल्कुल चुप हो जाओ, समझी तुम? देर मत करो, तुम जल्दी से घर जाओ और भाई का जरूरी सामान लेकर आ जाओ. अम्मी, जो कहा करो फौरन. पुलिस को कॉल करें. तुम्हें इनके साथ जाना होगा. अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो चली जाओ इनके साथ. क्या कह रही है अम्मी? जित मैंने कहा जाने दो उसे. अम्मी, मैं उन्हें अपनी बहन को ऐसे नहीं ले जाने दे सकता. ठीक तो है? बाबा, बाबा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, परेशान मत हो, ठीक हूँ मैं. बेटा चलो इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं. लगता है कि मेरे उफ़ जाने का वक्त आ ही गया है. कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मेरी तरफ देखें, बात करें, सब ठीक हो जाएगा. अम्मी ये ठीक नहीं लग रहे, हॉस्पिटल लेके चलते हैं. ठीक कह रही हो. हाँ, उठें, आ जाए. आराम से. उठ रहा हूँ. तुम लोग मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हो. जवेरिया, तुम भी साथ चलो. मुझसे रास्ते में रहना. ठीक है. चलो चलो जल्दी करो. आप तो चले पहले. कोई जवाब आया दादी जान? अभी नहीं आया. कदर, फरमाइए मोहतरमा. बाहर देख कर आओ तुम. क्या बारान की गाड़ी खड़ी है? देख लेती हूँ मैं. इससे कुछ पता नहीं चलेगा, ना मेरा और ना ही मेरी फैमिली का. देखो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, और तुम्हें ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं. अपने जज्बात को काबू में रखो. तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो. तुम बस हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा. अरे ये देखो, ये तो तुम ही हो. हाँ, ये तो मैं ही हूँ, लेकिन ये छोटी सी बच्ची कौन है साथ में? मुझे बताएं, आप इस बच्ची को जानते हैं? कौन सी बच्ची? ये जो बच्ची इसके साथ खड़ी हुई है. ये तो यहाँ से चली गई है. एक खातून के साथ अक्सर यहाँ आया करती थी. तो क्या बच्ची के माँ बाप से आप वाकिफ थे? मैं उन्हें नहीं जानता, ना ही देखा है, मगर ये जानता हूँ कि कहाँ रहते हैं वो लोग.
देख रहे हो ना तुम, तबीयत ठीक थी मेरी, जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गए और अब इंतजार करवा रहे हो। समझ गए बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर यहाँ आना भी तो बेहतर रहा ना। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। परेशानी की कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब बिल्कुल ठीक हैं। देख लो डॉक्टर साहब, मैं घर पर भी इनको यही कह रहा था कि मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है बाबा, मगर यहाँ आना आपके लिए अच्छा हो गया, क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। क्या आपने दवाइयाँ लिख दी हैं डॉक्टर? ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, बस वक्त पर खिलाइएगा। ठीक है, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। शुक्रिया रखिए अपना। शुक्रिया। अच्छा सुनो, तुम बाबा को घर लेकर जाओ, मैं फार्मेसी से इनकी दवाइयाँ लेकर आता हूँ, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है ठीक है, मैं बाबा को लेकर जाती हूँ, आप आ जाइएगा। चलो बाबा आराम से जाइएगा। ठीक है बेटा, फिक्र मत करो।